लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीते दिनों कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने का बड़ा आरोप लगाया था। ठीक एक बार फिर वही देखने को मिला है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कांग्रेस को दो नोटिस मिले हैं, जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कांग्रेस को बीती रात इनकम टैक्स ने दो नोटिस भेजे हैं। इफ वी डोंट रिसीव नोटिसेस आई गेट सरप्राइज्ड। रिसीविंग नोटिसेस इज नो लॉन्गर ए शॉकिंग और सरप्राइजिंग डेवलपमेंट। इन फैक्ट इफ अ डे पासेस विदाउट गेटिंग अ नोटिस यू बिगिन टू वंडर व्हाट इज हैपनिंग। दरअसल अकाउंट फ्रीज किए जाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। ये डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020 और 21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। वहीं अब इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि सरकार बदलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के बदला लेने वाले इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा और इसे मुगेरी लाल के हसीन सपने बता दिए। अगर कानून के घेरे में है तो कानून सबके लिए बराबर है, और अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल अनुचित है। इसलिए अनुचित है कि कानून यदि अपना कदम उठाता है तो इनकी बेचैनी बढ़ती है, चाहे वो काला धन हो या और भी कई ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बेचैनी बिल्कुल बेबुनियादी है और परहेज करना चाहिए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, और इन प्रयासों से जनता के बीच में जाने का आधार नहीं बनेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार बदलेगी तो उन अधिकारियों और ऑफिशियल्स पर हम कार्रवाई करेंगे जो अभी वन साइडेड फैसला ले रही हैं और वन साइडेड। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अब किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे, ये तो बात की बात है, पहले चुनाव तो ढंग से लड़ ले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इससे पहले कांग्रेस पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया था। पार्टी के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस पहले से ही फंड की कमी का सामना कर रही है। तो वहीं पार्टी को इस मामले में हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। आपको बता दें कि कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब बीते महीने 16 फरवरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 210 करोड़ के आयकर मांग पर कांग्रेस के मुख्य बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। हालांकि इससे पहले 13 फरवरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। बाद में इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेता और वकील विवेक तनखा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी एक्शन को रोकने की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स अपीलेटेड ट्रिब्यूनल के फैसले को छोड़ने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव सर पर है, 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस पहले से ही वित्तीय संकट का सामना कर रही है, और ऊपर से एक बार फिर आईटी का नोटिस कहीं न कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।